बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वन कलेक्शन में खुश आमदीद। आज हम आपको खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है और उसके ऊपर लगाने के लिए ये फूल है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कपड़े की लेंथ और चौड़ाई जो है वो कितनी है। ये मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई तकरीबन, ये मैंने 4 तह में फ़ोल्ड किया हुआ है, तो इसमें तकरीबन इसकी चौड़ाई है 14 इंच है और लंबाई इसकी 50 इंच के करीब है। तकरीबन ये 1.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें खूबसूरत सी फ्राक हम बनाते हैं। ये देखिए, तकरीबन 13 से 14 इंच है। सबसे पहले इसकी हम बॉडी की लंबाई ले लेंगे। मैं इसकी 16 इंच लंबाई ले रही हूँ। ये हाई लो फ्रॉक होगी। देखिए, इसको हम अलग कर लेते हैं इसके बॉडी के पार्ट को। बाकी जो हमारे पास ये कपड़ा बचेगा इसमें हम घेर करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये इसकी जो चौड़ाई है इसमें से हम 1.5 इंच पीस को इजाफी ले लेंगे, बैक हिस्से को, और फोल्ड कर लेंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब हमारे पास कपड़ा है। इस अंदाज में इसको हम बराबर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे शोल्डर। हमारे पास शोल्डर इसके आएंगे 7 इंच, और शोल्डर की गहराई हम नीचे से भी इसको शोल्डर ले लेंगे 7 इंच, और गहराई हमारे पास आएगी 7.5। अगर हेल्थ ज़्यादा अच्छी है तो 8 इंच इसको कर सकते हैं। 1 इंच की शेप इसमें लेंगे यहाँ से शोल्डर की, और उसके बाद हमारे पास चेस्ट की चौड़ाई जो है वो यहाँ से मैं 9.5 इंच लूँगी, और 1 से 1.5 इंच हमारे पास सिलाई का हक आ जाएगा। कमर हमारे पास 8.5 इंच आएगी फोल्ड में, और 1 से 1.5 इंच इसमें भी हम इजाफी ले लेंगे सिलाई का हक। यहाँ से इसको हम अपनी इसकी लाइन मिला लेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे पास ये 2 तह में है, तो इसमें हम जो इसका फ्रंट हिस्सा है उसकी हमने लंबाई को कम करना है 4 इंच बैक की नस्बत। देखिए, 4 इंच पे निशान लगा के इसको कमर तक नीचे गुलाई में शेप ले लूँगी मैं इसकी। यहाँ से हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। देखिए, 1/2 इंच की शेप हमारी शोल्डर की आ जाएगी, और गिरबान की चौड़ाई हमने 7 इंच पे, 7 इंच शोल्डर हैं तो 2.25 आएगी। यहाँ से 1/2 इंच की शेप कटिंग करने के बाद गिरबान की जो लंबाई है वो 5 इंच हम लेंगे और इसको हम शेप दे लेंगे, और बैक गिरबानी 1 से 1.5 इंच हम लेंगे। यहाँ से देखिए, मेरे पास ये फ्रंट शेप है, तो सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। बैक हिस्से को हटा के उसके साथ हम नहीं करेंगे इसको कटिंग। ये फ्रंट हिस्से की 4 इंच हमने ये गोलाई इसमें फ्रंट में ले ली। साइड की कटिंग करने के बाद इसकी बॉडी की कटिंग कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ से हम इसकी कटिंग कंप्लीट करके ये शोल्डर निकाल लेंगे। बैक गिरेबान 1 से 1.5 इंच हम इसमें ले लेंगे। चूँकि बटन पट्टी है तो बहुत ज़्यादा गहरा लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और फ्रंट की हम गहराई जो है 5 इंच लेंगे। ये देखिए, इसमें मेरे पास फ्रंट की शेप कटिंग के बाद ये आ जाएगी। इसमें शोल्डर की जो गहराई है, फ्रंट शेप है, वो भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे अलग करके इसको। और उसमें देखिए, जो हमने इसमें से फ्रंट में इसको कट किया है, तो ये इस अंदाज में हमारी इसकी कटिंग है। घेर हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे तकरीबन 35 से 40 इंच डबल में, और लंबाई हमारे पास ये आ जाएगी तकरीबन 17 से 18 इंच आ जाएगी। इसको हम अलग कर लेंगे। ये 4 तह में पीस है हमारे पास, घेर हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें देखेंगे, हमारे पास ये जो फालतू कपड़ा इसके इजाफी कटिंग से बचा है जो हमारे पास, इसमें से हमने रेप पट्टी कटिंग कर लेनी है 1 इंच चौड़ी। इस तरीके से ये 3 पट्टियाँ हमारी निकलेंगी, 1 गिरेबान में लगाने के लिए और 2 आस्तीन में लगाने के लिए। सबसे पहले उरे पट्टी कटिंग करने के बाद हम इसमें आस्तीन भी कटिंग करेंगे। थोड़े से आम से हट के थोड़ी सी हम कटिंग करेंगे इसकी, पफ वाली आस्तीन कटिंग कर लें। देखिए, हमने इसको
इसको हम ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन लेकिन मेरे पास कपड़े में गुंजाइश इतनी है तो मैं उसी हिसाब से लूँगी। इस अंदाज़ में इसको फोल्ड करके यहाँ से 1.5 इंच की शेप ले लेनी है, और हल्के से 1/2 इंच के ऊपर से शेप लेके, और सबसे ऊपर हम 1.5 इंच की शेप ले लेंगे। इसको हमने कटिंग कर लिया इस अंदाज़ में। इसको यहाँ से भी अलग कर लिया, ये हमारी 2 आस्तीन हो जाएंगी। इसको फ्रंट में हल्की सी चुनरी ले सकते हैं, और इसको सादा भी फोल्ड कर सकते हैं, और इसमें रोए पट्टी भी लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ इसके पफ आएगा हल्का सा। यहाँ से हम देखिए बॉडी हमने रेडी कर ली है, बटन पट्टी मोड़ के साइड की सिलाई करके, और शोल्डर हमने जोड़ लिए हैं। गिरेबान में हम उड़े पट्टी लगा लेंगे, आस्तीन में हमारी आस्तीनें लगेंगी, लेकिन उससे पहले हमने ये घेर की डबल सिलाई की है, और इसको खींच के इस बॉडी के मुताबिक हम इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम इसको बराबर कर खींच के जितनी हमारी बॉडी की चौड़ाई है उसके मुताबिक इसको सेटिंग करेंगे दोनों तरफ से घेर की। और उसके बाद हमने इसकी साइड की सिलाई करने के बाद नीचे से घेर को मोड़ना है, और सबसे लास्ट में फिर हम इसको आस्तीनें लगाने के बाद घेर को सबसे लास्ट में इसके साथ हम लगा देंगे बॉडी के साथ। इस अंदाज में दोनों तरफ से हम इसको बराबर बैलेंस करेंगे चुन को। डबल धाग डबल सिलाई हमने की है, डबल धागा ही पकड़ के हम इसको खींचेंगे तो ये चुन बड़ी खूबसूरती से आएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने बॉडी के मुताबिक इसको कर लिया। ये देखिए हमने इसकी साइड भी की सिलाई भी कर ली है, और देखिए बॉडी भी हमारी कंप्लीट है। इसमें हमने तकरीबन ये 4 इंच हमने फ्रंट की इसमें रखी है थोड़ी सी शेप, ये देखिए 4 इंच की है, और नीचे घेर में हमने इसमें कोई शेप नहीं दी, ये बिल्कुल एक जैसा है। देखिए आस्तीनें सबसे पहले हम रेडी करने के बाद इसमें बॉडी में लगाएंगे। उड़े पट्टी हम यहाँ से लगा के उल्टी तरफ से, और इसको सामने की तरफ फ्रंट में फोल्ड कर लेंगे, और आस्तीन को साइड से लगाएंगे तो ये देखिए ऊपर जितना इजाफी आ रहा है ये यहाँ पफ आ जाएगा हमारे पास, तो ये खूबसूरत सी आस्तीनें रेडी हो जाएंगी। ये देखिए हमने इसको रेडी कर लिया, और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में इसको घेर को अटैच करना है बॉडी के साथ। साइड की सिलाई भी हमारी होगी, नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया, अब इसको साइड से लगाना शुरू करेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से इसको इसकी सिलाई से लेके बॉडी की सिलाई से हम बराबर मिला के फिर इसको हम कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। इसको यहाँ से हमने इसको मिलाना है, और पूरे राउंड में हमने इसकी सिलाई कर लेनी है, और इस अंदाज में फिर हमारे पास ये फ्रॉक रेडी हो जाएगी। यहाँ से हम पूरा इसको लेके, ये देखिए हमारे पास फ्रॉक रेडी होगी। इसका स्टाइल ये होगा, देखिए हमारे पास ये थोड़ी सा बंच था मेरे पास एक, तो इसके साथ ये मुझे प्यारा लगा तो मैं इसको फैब्रिक ग्लू के साथ इसको चिपका लूँगी, पेस्ट कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत हुई मैं सुई की मदद से इसको टांग लूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।